गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवंतिका यादव क्लास फिफ्थ में आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। और जैसे कि आप लोग का फोर्थ में, थर्ड में, सब में इंग्लिश की दो बुक्स थी, वैसे ही आपकी फिफ्थ में भी टू बुक्स चलेंगी, एक इंग्लिश लिटरेचर और एक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें से फर्स्ट बुक जो इंग्लिश लिटरेचर है ये आपकी बुक है इंग्लिश चैनल, ठीक है। और आई होप आप लोग ये बुक खरीद चुके होंगे, अगर नहीं खरीदे हैं तो प्लीज़ जल्दी खरीदें, पेरेंट्स से कहें कि जल्दी आप लोग की क्लास शुरू हो गई है तो आपकी बुक खरीदें। तो आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में शुरुआत करेंगे लेसन वन से। इसमें देखिए आपके कंटेंट में दिया हुआ है टोटल 17 लेसन है, ठीक है, जिसमें पहला लेसन है एक पोयम है, दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या है पोयम, ड्रीम अवाइल विद मी। ड्रीम मीन्स क्या होता है, ड्रीम मीन्स होता है सपना। अब ये है ड्रीम अवाइल विद मी, मतलब हम जो सपने देखते हैं उसके बारे में इस पोयम में डिफाइन किया गया है कि हर सपना ना बहुत अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हर सपना आपका अच्छा हो या हर सपना बहुत बुरा हो, तो इसी पे ये पोयम बनी है। देखिए एक बच्ची है, ये सो रही है और ये सपने देखती है, उसके ऊपर ये पोयम बनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई ड्रीम ऑफ रेनबोज ब्राइट इन द स्काई, आई ड्रीम ऑफ लाइटनिंग, टुगेदर वी क्राई। कहती है पोएट, कहता है पोएट, कहती है पोएट का कहना है कि जब मैं सो रही थी और तब मैंने सपने में क्या देखा, आकाश में रंगीन चमकता हुआ रेनबो देखा। रेनबो मीन्स देखे होंगे आप लोग बारिश के समय में रेनबो निकलता है, यानी इंद्रधनुष, ऐसे धनुष के शेप में एक इंद्रधनुष निकलता है जो सात रंगों का बना होता है। तो कहती है पोएट, कहती है कि मैं जब सो रही थी तो मैंने सपने में आकाश में चमकता हुआ कलरफुल रेनबो देखा। I dream of lightning, together we cry. और उसके बाद मैंने अगला सपना देखा कि आकाश में बिजली चमकने लगी, जोर जोर से बिजली की कड़क और चमक होने लगी, जिससे मैं जोर जोर से रोने लगी। सपना देख के उस बुरे सपने को देखी, एक अच्छा सपना देखी कि उसको अच्छा सा सुंदर सा कलरफुल रेनबो दिखा। रेनबो अगर दिखता है तो क्या सब लोग देखते हो ना, कितना सुंदर है, कितना अच्छा कलर है आसमान में देख के। तो उसी तरह वो पहला रेनबो का सपना देखी अच्छा, उसके बाद तुरंत उसको फिर सपना आया कि जोर जोर से बिजली की चमक दिखाई थी। तो वो उस चमक को देख के, देखते ना आप लोग भी बिजली कड़कती है तो कैसा डर लगता है थोड़ा, तो वो भी देख के रोने लगी। फिर आई ड्रीम ऑफ फ्लावर्स, आई फील सच डिलाइट, फिर मैंने फ्लावर्स का, फूलों का सपना देखा कि बहुत सारे फूल हैं और उसको देख के मैंने कैसा फील किया, डिलाइट मतलब उसे देख के मैं खुशी का अनुभव करने लगी, आनंद का, मुझे अच्छा लगने लगा। आई ड्रीम ऑफ स्पाइडर एंड आइसक्रीम विद फ्राइड, फिर कुछ देर बाद मैंने फिर से सपना देखा स्पाइडर का, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, देखे हैं हर घर में मकड़ी क्या करती है, जाल बनाने का काम करती है। तो वही उसके बाद मैंने पहले फूलों का सपना देखा, उसके बाद फिर से मुझे स्पाइडर्स का सपना आया, जिसे देख के मैं क्या हुआ, आइसक्रीम विद फ्राई, और मैं डर के चिल्लाने लगी। फिर आई ड्रीम ऑफ स्विमिंग इन द सी, फिर मैंने, सी मीन्स होता है समुद्र, मैंने समुद्र में फिश को तैरते हुए देखा। I dream of shark coming after me. फिर उसके बाद मैंने अगले सपने में उसी में देखा कि मेरे पीछे shark है, मुझे मतलब मेरा पीछा, shark मेरा पीछा कर रही है या मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो आपको पता ही है कि shark एक बड़ी fish है और शायद वो खा भी जाती। तो एक तो सपना अच्छा था कि मछलियों को तैरता देखे तो कलरफुल फिश बहुत अच्छी लगती है, और वहीं कहीं सपने में अगर कोई चीज़ आपको दौड़ा रही है तो क्या होगा, सपने में आप डर जाएंगे। तो एक सपना उसका अच्छा था और दूसरा उसके बाद बुरा सपना। आई ड्रीम ऑफ लैम फ्रॉलिंग अराउंड, आई ड्रीम ऑफ वोल्फ हल्टिंग विद नो साउंड, मैंने सपना देखा कि छोटे छोटे लैम्स मतलब होते हैं भेड़ के बच्चे, सिप्स को भेड़ बोलते हैं और उनके बच्चों को लैम बोलते हैं। तो क्या है, मैंने सपने में देखा कि बहुत सारे भेड़ के बच्चे जो हैं इधर उधर घूम रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अगला सपना देखा, आई ड्रीम ऑफ वोल्फ हल्टिंग विद नो साउंड, और उसके बाद मैंने देखा कि वोल्फ मतलब होता है भेड़िया, भेड़िया जो है हंटिंग करना, हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, कि कुछ वोल्फ जो है जो शिकार करने का, दूसरे जानवरों का शिकार कर रहे हैं बिना शोर किए, मतलब बिना किसी आवाज के शांति से कुछ जानवरों का शिकार कर रहे हैं सपने में। आई ड्रीम ऑफ चिल्ड्रेन, सेवरल ऑफ देम
आई ड्रीम ऑफ देम वेकिंग बिगिंस अप फॉर आवर्स। मैंने देखा कुछ बच्चे यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे थे, मुझे सपने में कुछ बच्चे दिखे और फिर देखा कि वो बच्चे कुछ काम नहीं कर रहे, इधर उधर अपने टाइम को बस पास कर रहे, ठीक है, कुछ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई जरूरी काम नहीं कर रहे, बस अपने टाइम का इधर उधर घूम घाम के वेस्ट कर रहे, ठीक है। स्टे विथ मी फॉर एवर एंड टूगेदर वी विल कॉप बिकॉज वेन आई ड्रीम ऑफ यू आई ड्रीम ऑफ हॉप। कहता है कि हम सभी को स्टे विथ मी मेरे साथ हमेशा रहो, हम सब एक, यानी कहने का मतलब है पोएट का कि हम सबको हमेशा एक साथ रहना चाहिए। अगर हम सभी मिलके एक साथ रहें तो हम किसी भी मुसीबत का सामना आराम से कर सकते हैं, कोई भी कठिनाई हमारे सामने टिक नहीं पाएगी और हम हर मुसीबत में अपना निष्कर्ष या हल निकाल सकते हैं। क्योंकि कहती है पोएट बिकॉज वेन आई ड्रीम ऑफ यू, क्योंकि जब पोएट का कहना है कि जब मैं तुम्हें सपने में देखती हूँ तो मुझे क्या होता है, मुझे अपने सपने में विश्वास होता है, हो पाता है कि मैं, मतलब कितना भी मेरे साथ गलत होगा मैं उससे कठिनाई से मुसीबतों से निकल जाऊंगी। ड्रीम अवाइल विथ मी एंड टुगेदर वी विल सी। कहता है कि तुम भी मेरी तरह से मेरे सपने में आओ, मेरे साथ सपने में रहो, हम सब मिल के सपना देखें, साथ रहें। नॉट ऑल ड्रीम्स आर बैड, नो सो ड्रीम्स अलॉन्ग विथ मी। कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो भी हम सपना देखते हैं वो सारे सपने बुरे हों, कुछ सपने अच्छे भी होते हैं और कुछ सपने बुरे भी होते हैं। तो ये आपका पोयम जो है, ये आपके पोयम खत्म हुआ। इसमें जो है आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि इस पोयम में आपको बुरे और अच्छे सपने के बारे में बताया गया है, और इसको अगर हम जीवन से जोड़ के देखें तो हमारे जीवन में भी सुख और दुख लगा ही रहता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ठीक है। अगर हम इकट्ठे रहते हैं तो क्या है, हमें हर मुश्किलों से निकलने में आसानी होगी। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी लकड़ियों का बंडल वाला, अगर एक लकड़ी को दिया जाए तो आप आराम से तोड़ सकते हैं, और एक से अधिक अगर इकट्ठा बंडल करके दी जाए तो आप तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये सपने के थ्रू आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में क्लास फिफ्थ में आप जा चुके हैं तो अब आप पेंसिल का यूज नहीं करेंगे, पेन से अपनी कॉपी में इस पोयम को सिक्स लाइन पोयम आप लिखेंगे, ठीक है। पेन का भी यूज करेंगे तो आपकी दो कलर्स की पेन बस यूज होंगी, एक ब्लैक और एक व्हाइट। अब हर जगह ब्लैक का यूज नहीं किया जाता है, ब्लैक का यूज केवल हेडिंग के लिए, लेसन का नेम डालना हो, लेसन डालना हो, हेडिंग हो उसके लिए, या अंडरलाइन, यानी कि हम ब्लैक का यूज क्या करेंगे, केवल हाईलाइट करने के लिए करेंगे, और बाकी आपकी सारी चीजें ब्लू से, यानी आपको फिफ्थ क्लास में हर सब्जेक्ट में आपको दो कलर की पेन का यूज करना है, ब्लू एंड व्हाइट, ठीक है। तो अब आप फोर लाइन की कॉपी में भी अब नहीं लिखेंगे, आपकी फोर लाइन की कॉपी चलेगी ये, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने बनाया है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट पेज पे डालेंगे आप लेसन वन, पहली लाइन जो फोर लाइन होगी उसमें आप डालेंगे लेसन वन, फिर उसके बाद आप लेसन का नाम लिखेंगे, लेसन वन डालने के बाद आप इसको अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद लेसन का नेम डालने के बाद फिर उसको भी अंडरलाइन करेंगे, फिर आप उसके नीचे लिखेंगे पोएम, ठीक। इसके बाद आप बुक से सिक्स लाइन पोएम लिखेंगे, या फिर जिसके पास बुक नहीं है ये पोयम सिक्स लाइन लिख के मैंने पीडीएफ, ये स्कूल से पीडीएफ के थ्रू आपके पास चला जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे, तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं आराम से। हाँ, ये पोयम में ध्यान रखिएगा कि पंक्चुएशन मार्क्स का आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं ग्रामर, पंक्चुएशन का मतलब होता है कि आपको कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले क्लासेस में बताई जा चुकी हैं। तो आप पोयम लिखते वक्त उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कहाँ पे कैपिटल यूज हुआ है, कहाँ पे कॉमा यूज करना है, कहाँ फुल स्टॉप करना है, और ये सिक्स लाइन पोयम लिख के आप याद करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इतना काम आप करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जब इंग्लिश की क्लासेस होगी तो उसमें आगे आपकी एक्सरसाइज कराई जाएगी, ठीक है। थैंक यू।